इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो को आप अभी से लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा टैक्सेशन के ऊपर, जो कि सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड पर एप्लीकेबल है। अभी तक हमारे चैनल पर कई सारे सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स के ऊपर वीडियो आ चुके हैं, जहाँ पर हमने जाना कि कैसे हम सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड को खरीद सकते हैं मार्केट में, कैसे हम सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड को सेल कर सकते हैं, और कैसे हम अपने पुराने सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड पर ज़्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हैं, और कैसे हम सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड की कंप्लीट डिटेल को जान सकते हैं। अभी तक हमने ये सब जान लिया। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड में टैक्सेशन कैसे होता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वीडियो भी सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड वाले प्लेलिस्ट में जाएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड वाले प्लेलिस्ट को जरूर चेक करो। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड वाले प्लेलिस्ट में, और इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएंगे टैक्सेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है टैक्सेशन के ऊपर। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट लेकर रखा है FAQ सेक्शन से सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड के, तो यहाँ पर जैसे आप साफ साफ पढ़ पा रहे हो कि 29 नंबर पॉइंट में यहाँ पर कोई भी TDS डिडक्शन नहीं है, ऐसा लिखा गया। और 28वें पॉइंट पर यहाँ पर व्हाट आर दी टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन इंटरेस्ट एंड कैपिटल गेन। तो यहाँ पर जैसे आप पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा, इंटरेस्ट इनकम पर यहाँ पर एप्लीकेबल है टैक्स एज पर टैक्स स्लैब्स। जैसे कि अगर आप 5% के टैक्स स्लैब पे आते हो तो 5% टैक्स देना पड़ेगा, 20% के टैक्स स्लैब में हो तो 20% टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पर दूसरी बात करते हैं कैपिटल गेन की। तो कैपिटल गेन में जैसे हम देखें तो द कैपिटल गेन टैक्स अराइजिंग ऑन रिडेम्पशन ऑफ SGB टू एन इंडिविजुअल हैज बीन एग्जेम्प्टेड, द इंडेक्सेशन बेनिफिट्स विल बी प्रोवाइडेड टू लॉन्ग टर्म्स कैपिटल गेन अराइजिंग टू एनी पर्सन ऑन ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले आप साफ साफ समझ लो कि सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड में आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो और सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड आप रिडेम्पशन कर रहे हो, जैसे कि रिडेम्पशन का पीरियड है 5 साल के बाद, तो यहाँ पर आप 5 साल के बाद जब रिडेम्पशन कर रहे हो अपने सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड को डायरेक्टली बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस, तो वहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा रिडेम्पशन के टाइम में। चाहे वो आप 5वें साल में रिडेम्पशन कर रहे हो, 6ठे साल में, 7वें साल में या फिर 8वें साल में ऑटोमेटिकली रिडेम्पशन हो रहा, इन सब समय में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर एक और बात है, पिछले कई वीडियोस में कई लोगों ने कमेंट किया था कि जैसे हम अगर सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड को सेकेंडरी मार्केट से खरीदते हैं तो वहाँ पर रिडेम्पशन के टाइम में टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इस केस में भी आपको रिडेम्पशन के टाइम में कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे वाले पॉइंट की, जैसे कि यहाँ पर लिखा है इंडेक्सेशन बेनिफिट्स विल बी प्रोवाइडेड टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग टू एनी पर्सन ऑन ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड्स। तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड्स मतलब आप समझ लो कि जैसे आप अगर सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड को मार्केट में बेच रहे हो या फिर अपने सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड को किसी को गिफ्ट वगैरह कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो किसी थर्ड पर्सन को, तो वहां पर आप लाइबल हो जाते हो टैक्स पे करने के लिए एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो वहां पर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से दो तरीके के टैक्सेस है कैपिटल गेन पर। पहला तो हो जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा हो जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कब एप्लीकेबल है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कब एप्लीकेबल है। तो यहाँ जैसे मैं एक रिलायबल सोर्स से ही दिखा रहा हूँ ये सब आपको, जैसे कि इनकम टैक्स की साइट से ही मुझे ये मिला है तो उसी से मैं आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ पर जैसे अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के डिफिनेशन को पढ़े तो यहाँ पर जितने भी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ है अगर वो 12 महीने के अंदर बेचे जाएंगे तो वहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल है, लेकिन अगर आप 12 महीने के बाद वहां पर सेल कर रहे हो या फिर ट्रांसफर कर रहे हो तो वहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल है। यहां पर सिक्योरिटी का मतलब हो जाता है किसी भी तरीके की सिक्योरिटी जो कि मार्केट में लिस्टेड हो। जैसे कि अगर आप सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड को डीमैट फॉर्म में होल्ड कर रहे हो तो वो एक लिस्टेड सिक्योरिटी बन जाती हो। लिस्टेड सिक्योरिटी में कई चीज़ें आ जाती है, जैसे कि शेयर्स हो जाते हैं, फिर जीरो कूपन बॉन्ड्स वगैरह हो जाते हैं, फिर G-Sec सिक्योरिटीज हो जाते हैं, फिर NCDs डिबेंचर्स वगैरह भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 12 महीने के अंदर बेचते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, अब 12 महीने के बाद देते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। ध्यान रहे यहाँ पर लिस्टेड सिक्योरिटीज़ की बात हो रही है और लिस्टेड सिक्योरिटीज़ में सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड भी आते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना देना पड़ेगा अगर आप 12 महीने से पहले बेच देते हो, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना देना पड़ेगा अगर आप 12 महीने के बाद में बेचते हो। तो यहाँ पर इस वीडियो में ये थोड़ा सा हेजी दिख सकता है, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा आप मेरी बातों पर ध्यान दो तो आपको समझ में आएगा। अगर आप ये PDF फाइल चाहते हो तो आप मुझे WhatsApp कर सकते हो इस नंबर पे, मैं आपके साथ
ये पीडीएफ फाइल भी शेयर कर दूंगा। यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करें तो यहाँ पर इक्विटी में क्या है, 15% का टैक्स एप्लीकेबल है, और अदर देन इक्विटी में यहाँ पर एप्लीकेबल है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एज पर टैक्स स्लैब्स। मतलब अगर आप 5% के टैक्स स्लैब में हो तो वहाँ पर आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा, 20% के टैक्स स्लैब में हो तो 20% टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कवर्ड अंडर सेक्शन 111A और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन कवर्ड अंडर सेक्शन 111A, तो यहाँ पर जो अपना सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड है वो अदर देन 111A है, तो यहाँ पर नॉर्मल टैक्स स्लैब्स के हिसाब से यहाँ पर टैक्सेशन होगा। अब जैसे यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर टैक्स का कंप्यूटेशन कैसे होगा, मतलब वहाँ पर आपको कितने रुपए का टैक्स देना पड़ेगा कितने रुपए के इनकम पर। तो यहाँ पर जैसे हम देख पा रहे हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का कंप्यूटेशन, तो यहाँ पर जैसे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया आपका सेल वैल्यू, उसे आप पहले लोगे, फिर लेस एक्सपेंडिचर इनकर्ड यानी कि जो आपका ब्रोकरेज चार्ज डीपी चार्जेस लग रहे हैं वो सब आप अपने सेल वैल्यू से माइनस कर सकते हो, फिर आएगा नेट सेल कंसिडरेशन। अब वहाँ पर आपको माइनस करना है अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो कि आपका इन्वेस्टमेंट प्राइस हो या फिर बाइंग प्राइस हो, उसे आपको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो नेट इनकम आएगा वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, जहाँ पर आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से अपना टैक्स देना पड़ेगा। अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की। अब जैसे यहाँ पर अगर आप अपने सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड को 12 महीने के बाद बेच रहे हो तो यहाँ पर आप एप्लीकेबल हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देने के लिए। यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देने के दो तरीके हैं, या तो आप 20% टैक्स दे दो इंडेक्सेशन की बेनिफिट को लेकर, या फिर आप फ्लैट 10% का टैक्स दे दो अपने कैपिटल गेन पर। तो यहाँ पर जैसे हम अगर डिटेल में पढ़ते हैं तो यहाँ पर जैसे इनकम टैक्स खुद कहता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आर चार्ज टू टैक्स एट 20% जनरली, बट इन सर्टेन स्पेशल केसेस द गेन मे बी एट ऑप्शन ऑफ द टैक्स पेयर चार्ज टू टैक्स एट 10% प्लस सरचार्ज एंड सेस एज एप्लीकेबल। द बेनिफिट ऑफ चार्जिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एट द रेट 10% इज अवेलेबल ओनली इन फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पर फॉलोइंग केसेस में देखें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी फॉलोइंग एसेट सेकेंड पॉइंट में आए तो ये अपना काम का है। तो यहाँ पर जैसे देखें एनी सिक्योरिटी विच इज लिस्टेड इन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, एनी यूनिट ऑफ यूटीआई और एनी जीरो कूपन बॉन्ड। तो यहाँ पर स्टार मार्क्स में अगर आके देखें तो सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आ जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, और ये जो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से टैक्स को कैलकुलेट करके हम दोनों में से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना कैपिटल गेन टैक्स दे सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे बात करते हैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का कंप्यूटेशन कैसे होगा, तो यहाँ पर भी आपको सिंपल तरीका अपनाना है। जैसे यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी कि आपका सेल वैल्यू जो होगा सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड का वो लेना है, माइनस करना है एक्सपेंडिचर जैसे कि ब्रोकरेज चार्ज डीपी चार्जेस वगैरह उन्हें माइनस करना है, फिर आपका आएगा नेट सेल कंसिडरेशन। अब वहाँ से माइनस करना है लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यहाँ पर इम्प्रूवमेंट का भी एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट अपने सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड पर एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए इम्प्रूवमेंट को हमें इग्नोर कर देना है शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। तो यहाँ पर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेना चाहते हो, तो अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेना चाहते हो तो आप वहाँ पर 10% का कैपिटल गेन टैक्स दे सकते हो अपने नेट कैपिटल गेन पर। तो यहाँ पर जैसे इंडेक्सेशन को अगर समझे तो इंडेक्सेशन का एक फॉर्मूला है, जैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इंडेक्सेशन का मतलब ये हो जाता है कि इंडेक्सेशन में आपको इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्टेड रिटर्न पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे आपको पता है महंगाई दर पर दर बढ़ती जाती है और हर साल महंगाई एक नए सिरे पर आ जाती है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक इन्फ्लेशन का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है, और यहाँ पर आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसे इन्फ्लेशन एडजस्टेड करके माइनस करने का ऑप्शन दिया जाता है। जैसे यहाँ पर इंडेक्स कॉस्ट के कैलकुलेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिख रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि आपका बाइंग वैल्यू इनटू कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, तो वहाँ पर आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन कितना वो देना पड़ेगा, प्लस यहाँ पर डिवाइड करना है कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। मतलब ये हो जाता है कि जब आपने बाय किया था वहाँ पर उस समय इन्फ्लेशन इंडेक्स का कॉस्ट क्या था उसे आपको डेनोमिनेटर में देना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो आपका नेट कैपिटल गेन आएगा वहाँ पर आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, या फिर सिंपली आप इन सब झमेले में नहीं जाना चाहते हो तो आप सिंपली 10% का कैपिटल गेन टैक्स देकर निकल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें।
अगर आपको कोई इन्फो यहाँ पर कैपिटल गेन से रिलेटेड चाहिए तो आप इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।